I want to thank StudyIQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team management and staff of StudyIQ. Hello, guys. Welcome to StudyIQ. So, guys, today we are going to move towards the next topic that is conquest of Punjab, Part 5. Now, till now abhi hum ne Sikhi Land ko elaborately cover up karke rakha hua hai. We have started this particular journey of the conquest of Sikh directly from the great gurus. ग्रेट गुरुज के टाइम पर सिख रिलीजन कैसे डेवलप्ड हुआ उन्होंने स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी अपने पास कैसे ली एंड देर आफ्टर दर वैलियन स्ट्रगल अगेंस्ट द इस्लामिक रिलीजन बट बटर देन वैलियन स्ट्रगल वी कैन से इट वॉज एन अन इंटरफेयरेंस इन टू द कोर्ट पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल जिसके वजह से व्रैथ ऑफ मुगल एज एज इस्लामिक रिलीजन सिख रिलीजन के ऊपर पड़ता हमको दिखाई दिया है देर आफ्टर फ्रॉम द पीरियड ऑफ सेवन ओ सेवन से पीरियड ऑफ सेवनटीन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइनटी टू तक जब तक महाराजा रणजीत सिंह नहीं आए तब तक हमने देखा था कि पंजाब दैट इज लैंड ऑफ खालसाइडेड इन टू डिटल डिफरेंट फैमिलीज कंट्रोलिंग द खालसा आर्मी नाउ एंड लास्ट लेक्चर में फिर हम लोगों ने कवर अप करके रखा हुआ था क्या देन ऑब्वियसली महाराजा रणजीत सिंह एंड महाराजा रणजीत सिंह के अंडर जो डेवलपमेंट हुए वो सारे डेवलपमेंट हमने देखे कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह इनिशियल पीरियड पे जमान शाह से रिलेशन अच्छा डेवलप करके लाहौर अमृतसर वाला एरिया कैप्चर कर लिए महाराजा रंजीत सिंह ने हम देख सकते थे कि बेसिकली कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने झुकते ही गए एंड फाइनली महाराजा रंजीत सिंह के अंडर का एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने देख लिया जिसमें सेंटर से लेके विलेज लेवल तक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जैक्टली कैसे चल रहा था बट इन एनी वेटी हंड्रेड एंड थर्टी नाइन वॉज द ईयर इन विच महाराजा रंजीत सिंह अल्टीमेटली डाइड नेचुरली बट उनके बाद अब हमको दिखाई देगा कि पंजाब पॉलिटिक्स में अगेन मुगल इन्फ्लुएंस आ चुका है मुगल इन्फ्लुएंस इन देंस ना कोर्ट पॉलिटिक्स ये पंजाब को लेके डूबने आला था जैसे मुगलों के लिए हमने देखा था इंटरनल राइवल फैक्शन विथ इन कोर्ट वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलेब्स ऑफ दर मुगल एम्पायर सिख लैंड में भी यही होने वाला था जिसके ऊपर अब हम लोगों को बातें जो है वो करनी है लेट्स मो इन टू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट जिसमें सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट एस्पेक्ट इज द राइज ऑफ खालसा आर्मी खालसा आर्मी हमेशा से सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है सरस सिख रिलीजन इज कंसर्न गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसको बनाया हुआ था एंड गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद इनके जो लीडर है खालसा महाराजा रंजीत सिंह के अंडर ऑलमोस्ट चालीस हजार की स्टैंडिंग आर्मी थी एंड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मनी टू पे दिस पर्टिकुलर सोल्जर महादारी सेटलमेंट इन्होंने लाके रखी थी कि महादारी के अंडर

कोर्ट में आपके रहता है अगर आपको इन, इनको आपने ठीक से हैंडल नहीं किया देन दिस पीपल गोइंग टू रिवॉल्ट एंड हुआ भी वही कि धीरे धीरे करके 1839, 40, एंड में ही हमको लोकल लेवल पे खालसा आर्मी में बगावत दिखनी चालू हुई बिकॉज विद द कोलैप्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद अब लोकल लेवल से जो रेवेन्यू आना चाहिए था लाहौर में वो नहीं आ रहा था एंड इनको अपनी सैलरी ठीक से नहीं मिलेगी Obviously, जब इनको सैलरी नहीं मिलेगी इन टू द इंटरनल इन पॉलिटिक्स में जब इनका, इनका वजह से लेटर हर एक जो मिसल के लीडर जिन्होंने रंजीत सिंह की सुधर एक्सेप्ट करके रखी थी और यही मिसल के लीडर अब दरबारी बन के बैठे हुए थे उन्होंने खालसा आर्मी को अपने साथ लेना चालू कर दिया एंड खालसा आर्मी को अपने साथ लेके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ अब बगावत चालू कर दी लोकल लेवल पे खालसा मैंने अपने पंचायत भी चालू किए एंड रोल ऑफ किंग मेकर का जो एक्चुअल गेम जो मुगलों में भी हमने देखा था वो अभी खालसा मैंने अपने अंदर चालू कर दिया एंड इसके लिए वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर वॉज द इनकेबल सक्सेसर ऑल्सो हमको दिखाई देता है कि महाराजा रंजीत सिंह के जाने के बाद नवनिहाल सिंह जो है बेसिकली बिकेम द न्यू किंग उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर भी रिस्टोर करके रखा था एंड आर्मी को यूटिलाइज भी करके रखा हुआ था हाउ एवर नवनिहाल सिंह उसके ऊपर भी अब अलग अलग वर्जन है कि वो एक्सीडेंट था या फिर कॉन्स थी रसी थी इट में बी बटीन हंड्रेड एंड फोर्टी वन आते आते नवनिहाल सिंह हैड डाइड एंड हैवनिहाल सिंह के जाने के बाद एक्चुअल में कोर्ट पॉलिटिक्स काफी अगली लेवल में बढ़ा जिसमें दो इंपॉर्टेंट राइवल फैक्शन थे

पंजाब का महाराजा डिक्लेयर करने के बाद हम लोगों को दिखाई देता है कि पंजाब के महाराजा के पोजीशन पे शेर काफ़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन पे दैट इज वजीर वाले पोजीशन पे डोगरा चीफ जो आके बैठ गया एंड ऑब्वियसली फिर पूरा कोर्ट डोगराज के अंडर आना चालू हो गया अब जैसे ही डोगराज के अंडर पूरा कोर्ट आएगा देन इट विल बी हार्मफुल फॉर द अदर एंड इनमें स्पेसिफिकली सिंधन वाली आदमी जिनके साथ इनके मैक्सिमम झगड़े हुआ करते थे and that's why in in one of the internal struggle in September 1843 Ajit Singh sindhanwalia इन्होंने पहले महाराज का ही murder कर दिया and उसके साथ साथ जो basically ध्यान सिंह जो थे that is डोगरा ध्यान सिंह इनका भी ultimately इन्होंने murder करवा दिया Obviously इसके वजह से court politics और ज्यादा अगले level पे जाना चालू हुआ and ये court politics जो अगली level पे गया then उसमें हमको वही दिखाई देता है कि ध्यान सिंह के जो बेटे थे हीरा सिंह

के छोटे बच्चे थे तो ऑब्वियसली उनका माँ के साथ एफिलियन होगा ही एंड रानी जिंदन वॉन्टेड टू गेट रेड ऑफ द डोगरा सर फ्रॉम द कोर्ट एंड इन दैटेसिटी फाइनली जो कोर्ट कॉन्स्पिर चली उसमें हम लोगों को दिखाई देता है कि लाल सिंह जो है रानी जिंदन का बेसिकली फेवरेट मिलिट्री कमांडर हुआ करता था आर्मी ने उनको अपने साइड पे कर लिया या फिर उन्होंने आर्मी को अपने साइड में कर लिया एंड आफ्टर तेजा सिंह जो उन्हीं का बंदा था ये दोनों ने मिलकर लाल सिंह एंड तेजा सिंह जो है काफी सिग्निफिकेंट ब्लॉक बना एंड सप्टेम्बर एटीन फोर्टी आते आते डोगराल जो है उनको कोर्ट से निकाल दिया लाल सिंह जो है बेसिकली वजीर बन गए एंड ऑब्वियसली फिर तेजा सिंह जो है बेसिकली बिकम द न्यू कमांडर ऑफ द सिख फोर्सेस

हम बफर स्टेट का कंसेप्ट देख चुके हैं कि फ्रॉम द द ऑफ़ ब्रिटिशर्स अगर हम देखें तो पंजाब अफगानिस्तान एंड सतलज इंडिया इसके बीच वाली टेरिटरी थी एंड महाराजा रंजीत सिंह को ब्रिटिशर्स ने हेल्प क्यों करके रखी थी सपोर्ट क्यों करके रखा था बिकॉज स्ट्रॉन्ग किंग इन पंजाब कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान बट अगर पंजाब का कोर्ट ही अगर पॉलिटिकल इंट्रीग्यूज में फंसा हुआ है

कि अगर राइवल फैक्शन डेवलप हो रहे हैं एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं और हमने देखा हुआ भी है कि पहले नौनिहाल नौ निहाल आफ्टर अल्टीमेटली शेर सिंह आफ्टर अल्टीमेटली इवन महाराजा दालीप सिंह इनके अंडर ऑलमोस्ट वी कैन सी देर इज अ स्ट्रगल इन बिटवीन डोगराज सिंधियन वालाज, इसी की वजह से ब्रिटिशर्स ने ये एरिया में इंटरेस्ट लेना चालू किया सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ब्रिटिशर्स ने अपना खुद का एंग्लो अफगान वॉरफेयर खेला हुआ था

इंडिपेंडेंट किंगडम या फिर सबसे सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट किंगडम इंडिया में जो बचा हुआ था वो किसका था महाराजा रंजीत सिंह का ही था एंड इन कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर रीजन ब्रिटिशर्स ने फाइनली 1845 में हमको दिखाई देता है कि एक एडवांस मनोवर करना चालू कर दिया फाइनली जैसे ही डोगरा चीफ ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि डोगरा चीफ का पावर पंजाब के कोर्ट में जैसे ही रिड्यूस हुआ इट वॉज डोगरा चीफ जिन्होंने अर्लीस्ट लेवल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिकली हेल्प सोलिसिटेट करना भी चालू करके रखा था दैट कैन बी कंसिडर थर्ड वन कि डोग जो है बेसिकली इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट लेना लेनाट कर दिया था चालू कर दिया था एंड इसी में अल्टीमेटली फिर ये 1845 यही 1845 के सितंबर में तो डोगरा चीफ की पावर चली गई थी तो तब जाके ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे ये अफेयर में इंटरफेयर करना जो है चालू करके रखा हुआ था अगर हम लोग देखें तो ये पर्टिकुलर वॉरफेयर जो है बेसिकली चालू किया था सिख आर्मी ने

खास साइन को लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज गोइंग टू अटैक ऑन एंड दैट्स इन ऑर्डर टू टैकल दिस पर्टिकुलर मार्चिंग ऑन सतलज रिवर ब्रिटिश आर्मी के ऊपर लोकल लेवल पे सिख आर्मी ने जो है बेसिकली काउंटर अटैक करना चालू किया एंड दिस बिकम द ट्रिगरिंग रीजन इसके वजह से सिख आर्मी को जो है बेसिकली दोषी ठहराया गया कि महाराजा रंजीत सिंह के साथ हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करके रखी थी ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप बट वो अब ट्रिगर की है मतलब किसने तोड़ी हुई है तो ऑब्वियसली सिख आर्मी ने तोड़ी हुई है एंड अगर सिखार में इसको तोड़ रही है तो ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा भाई हम अब बेसिकली पंजाब के ऊपर अटैक कर सकते हैं इसके की फैली हुई है capacity, जो see, जो अब बेसिकली फैले, फैला उसके वजह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉरफेयर हुए एंड फर्स्ट एंग्लो सिख वॉरफेयर में अल्टीमेटली कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है इसमें बेसिकली बैटल ऑफ सोबरा

डोग लाल के साथ भी करके रखा हुआ था। लाल on hand, खालसा आर्मी के साथ उनको इंसाइट करने की कोशिश कर रहे ऑन दी ऑर्डर ब्रिटिशर्स के साथ निगोशियेशन भी ओपन अप करके रखे हुए हैं तो इन दैट कैपैसिटी देर वर लोकल वॉरफे बट ये सारे लोकल वॉरफेयर में खालसा आर्मी इवन दो अल्टीमेटली देगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कॉन्टेक्ट में थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके थ्रू सारे ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो है पंजाब आर्मी के निकाल के भी रखे हुए थे फाइनली वॉरफेयर हारने के बाद एक ह्यूमिलियटिंग ट्रीटी ऑफ लाहौल हंड्रेड एंड फोर्टी के ऊपर पंजाब के ऊपर डाली गई इज नथिंग बट ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायस

1796 के बीच में कैरी आउट करने चालू कर दिए थे बट इन एनी केस ये काफी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है ये एक करोड़ रुपए की जो वॉर इन है इससे ब्रिटिशर्स ने एक तीर में दो निशाने लगा लिए पहले तो जो अफगानिस्तान में लॉस हुआ था उनका एक दो साल पहले वो भर के निकाला एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है बेसिकली ट्रेजरी जो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की कम हुई थी अब उसमें बेसिकली पैसे आने चालू हो गए जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर जो है उनके प्राइजेस वहां पे रेज हुए दैट इज में वैसे ही अल्टीमेटली सतलज के ऊपर वाला एरिया दैट इज नाउ बियास विल बी द साइंटिफिक फ्रंटियर ऑफ इंडिया सतलज और बियास के बीच में जो जालंधर डोब है अब ये कंपनी के अंडर रहेगा यानी जालंधर डोब जो है बेसिकली अब कंपनी के अंडर रहने के पीछे का पर्पज क्या था पर्टाइल लैंड है सतलज बियास का वहां से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कंपनी एक्सट्रैक्ट कर सकेगी अब ब्रिटिश रेसिडेंट जो है बेसिकली लाहौर कोर्ट में रहेगा जिनका नाम था हेनरी लॉरेंस हमने ये भी देखा था कि राइवल फैक्शन के, के थ्रू जो है रेसिडेंट विल इंटरफियर इन द इंटरनल पॉलिटिक्स एंड पंजाब सिख आर्मी is, खालसा आर्मी जो है उसका स्ट्रेंथ अब कम किया जाएगा क्यों बिकॉजली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्म फोर्सेस जो है वो प्रोटेक्शन देंगे किन को देंगे ऑब्वियसली पंजाब को देंगे दालिप सिंह ही वॉज बेसिकली रिकॉग्नाइज एज अ ट्रू रूलर बट सिंस ही अ माइनर पांच साढ़े पांच साल के थे अभी भी तो इन दैट कैपेसिटी रानी जिंदन को रीजन बनाया गया दैट इज रॉयल एजेंट बनाया गया एंड लाल सिंह जो है उनका वजीर वाला पोजिशन कंटिन्यू रखा गया सिंस ही हिमसेल्फ हेल्प ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द वॉरफेयर एंड अल्टीमेटली एक प्रोविजन ये भी है गुलाब सॉरी ये जम्मू कश्मीर वाली टेरिटरी निकाल ली गई एंड गुलाब सिंह इनको अल्टीमेटली बेची गई अल्टीमेटली गुलाब सिंह डोगरा के ही सक्सेसर थे हरी सिंह डोगरा जिन्होंने में, इंडिया में कश्मीर का करवा के रखा हुआ था बट ऑबियसली कश्मीर डोगरा फैमिली को मिला कहां से उनकी पोजीशन जो रिड्यूस हुई थी उसके बाद से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अच्छे कॉन्टेक्ट मेंटेन रखे थे एंड एनि कश्मीर वाली टेरिटरी अल्टीमेटली डोगरा किंग ने पचहत्तर लाख रुपए के लिए खरीद ली एंड फाइनली हम लोग को दिखाई देता है कि कश्मीर जो है अब पंजाब से सेपरेट हुआ डोगरा फैमिली के अंडर गया अंडर आफ्टर कश्मीर का एक ह्यूज हिस्ट्री रहा है जो कभी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जाएंगे तो पढ़ेंगे बट इन एनी केस ये सारा वॉरफेयर काफी सिग्निफिकेंट वॉरफेयर हमको दिखाई देता है कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉरफेयर अगर हम लोग देखे तो ये जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉरफेयर में सॉरी नॉट सेकेंड फर्स्ट सॉरी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉरफेयर में ब्रिटिशर्स की केयरफुल प्लानिंग हम लोगों को दिखाई देती है द एक्चुअल रीजन ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब ये हमेशा से ब्रिटिशर्स का लॉस्ट प्रेस्टीज ही माना जाता है कि जो अफगानिस्तान वॉरफेयर में उनको लॉस हुआ अगर वो भर के उनको निकालना है तो ऑबली फिर पंजाब जैसे टेरेटरी वॉज सूथिंग टेरेटरी कि अल्टीमेटली अफगानिस्तान वॉरफेयर में बीस हजार लोग भी इनके मारे गए एंड मोर देन बेसिकली वी सैन से एक करोड़ रुपए का खर्चा जो है ये भी इनको करना पड़ा वही सारा खर्चा अल्टीमेटली अब पंजाब से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एंड पंजाब जो है बेसिकली उसको परपेचुअली सबसरवियन पोजिशन में रखा जाएगा इनफैक्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज नथिंग बट अ ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड यही ट्रीटी के अंडर अब बेसिकली हैं लॉरन जो बैठे थे जो जैसे ही कोर्ट में गए तो उनको ये चीज़ अब इलेबोरेटली दिखाई गई कि जो भी सुक्रेचिया सुक्रेचिया मिसल के अगेंस्ट वाले लोग हैं ये कोर्ट में अवेलेबल है एंड अल्टीमेटली अगर हम लोग सुक्रेचिया मिसल का पावर कम करें

हैंनरी लॉरेंस को एक बात जमी भी एंड दैट् अल्टीमेटली हैंनरी लॉरेंस ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैलकटा गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में एक और ट्रिटी करवाई दैट इज सिटी ऑफ भैरोवाल एंड वाई दिज सिटी ऑफ भैरोवाल रानी जिंदन जो है शी वॉज रिमूव एज ए रीजन इनको बेसिकली पहले कानपुर वाले एरिया में भेजा गया वहाँ से कैलकटा वाले एरिया में भेजा गया एंड अल्टीमेटली काउंसिल ऑफ रीजेंस ही बनाई

इसके ऊपर भी लेटर ऑन देखेंगे कि इसी के वजह से अल्टीमेटली अनेक सेब उसको भी सेक्रेट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स है रीजन क्या रहे पंजाब के ऊपर सर्टन इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंटिंग अगेन जाने से पहले गाइज द लास्ट बैच यू कैन कंसिडर बाय टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर आई एम लॉन्चिंग इज अबाउट टू गेट ओवर इसका जो क्लोजिंग डेट है वो सिक्सटीन रहेगा तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर

एंड फॉर द प्राइमरी स्किल वॉट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यूर द्री डिफरेंट टाइप ऑफ द कंटेंट तो, तो हैंड रिटर्न नोट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा पी पी टी प्रोवाइड करवाऊंगा एंड क्रक्स प्रोवाइड करवाऊंगा वंस यू हैव गॉन थ्रू द क्रक्स उसके बाद आपको और कोई मटेरियल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एंड देर आफ्टर इसके साथ साथ हम आपकी सेकेंडरी स्किल भी दा, दा, बे, बेसिकली डेवलप करेंगे एंड सेकेंडरी स्किल डेवलप करेंगे मतलब क्या विल्वर तो तो